डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है, और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, गेरे हुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है, और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है, यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को, और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है, अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे, मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है जी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जैसी सोसाइटी जो विविधताओं से भरी है, जब पहले मूवी आते थे एकाध कहावत उस मूवी में आ जाए, आती थी चली जाती थी, आज एकाध कहावत आ जाए तो पूरी मूवी चलना बंद हो जाए, मुश्किल हो जाता है कि तुमने उस समाज का अपमान किया, वोस किया, ढिकना किया, वो उसने अरबों खरबों करोड़ों रुपया कुछ भी खर्च किया, वो कोई पूछने वाला नहीं है, तुम जवाब दो तुमने क्या किया, यह हाल है। ऐसे में आप इस शास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाहरणों के साथ, तो कोई भी, वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स अ कैंसरस, पीना तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है तो वहां एक आना चाहिए इट्स अ डीप फेक, फिर उसको देखें, आनंद करें, जो करना है करें, लेकिन उस पर आना चाहिए। ऐसा मैंने, उन्होंने कहा साहब मुझे भी बड़ी चिंता है कि ये मैंने कर तो दिया लेकिन कैसे रुकेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय है।